का पलायन करने की खबर सामने आई है। मामला थाना कमालगंज के पतौला गांव का है, जहां हिंदुओं ने अपने घर पर मकान बिकाऊ है के पोस्टर लगा दिए। गांव के लगभग दर्जनों परिवारों के लोगों ने सामूहिक रूप से इस तरह से पोस्टर लगाकर पलायन करने की बात कही है। लोगों का आरोप है कि दो समुदाय के लोगों में चुनाव को लेकर रंजिश चल रही है और गाँव में हिंदुओं की संख्या कम होने के कारण एक समुदाय के लोग घर में घुसकर मारपीट करते हैं और औरतों के साथ छिड़खानी करते हैं। वहीं मामले की जानकारी होने पर भाजपा विधायक नागेंद्र सिंह राठौर पुलिस बल के साथ गांव पहुंच गए। मान सिंह की तरफ से तहरीर प्राप्त हुई थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि गाली गलौज मारपीट और छेड़खानी घटनाओं के पीड़ितों के साथ तहरीर की गई। इसमें 5 नामजद और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध उन्होंने अभियोग पंजीकृत कराया गया। इसमें 151 की कार्रवाई गिरफ्तारी करके दी गई थी और इसमें अभी विवेचना पड़ी। उसके बाद आज सुबह यह संज्ञान में आया कि कुछ लोगों ने मकान बिकाऊ है जैसा बोर्ड घर के सामने लगा रखा है, तो इस संबंध में तत्काल मैं वहाँ पर गया और बाकी पहुँच गई। तो इसकी जांच की जा रही है। लिखा मंडली भी कोई प्रार्थना पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। प्रार्थना पत्र जैसे ही प्राप्त होता है उसमें जांच कर जो भी विधिक कार्रवाई है वो की जाए। पीड़ित पक्ष से आपकी बात हुई तो क्या पीड़ित पक्ष ने अपने वो बोर्ड हटा लिया है और आपकी कार्रवाई से क्या संतुष्ट हो पाया? बोर्ड हटा लिया गया था मेरे सामने जब मैं वहाँ पर था और इस संबंध में उनको पूरी तरह आश्वस्त किया गया है कि जो भी इसमें तहरीर प्राप्त होगी जो भी सत्य होगा उसके हिसाब से पूरी तरह इस तरह कार्रवाई पुलिस द्वारा की जाए। हमारी सरकार में कानून किसी को अपने हाथ में लेने का हक नहीं है और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि कानून व्यवस्था हमारी प्राथमिकता होगी और उसी के आधार पर 4.5 साल काम किया। यहाँ एक गांव है पतौजा जिसमें 95% के लगभग मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं और 5% के आसपास हिंदू समाज के लोग हैं। अभी पंचायत चुनाव में हिंदू समर्थकों ने अजय वर्मा को वोट दिए जो चुनाव जीते और दूसरे प्रत्याशी जो थे वो चुनाव हार गए। किसी बात से चिढ़कर के वो लोग उनको अनावश्यक परेशान करने का काम कर रहे थे। मुस्लिम माहौल क्षेत्र है, हिंदू लोग जो ना के बराबर हैं, उन लोगों को तंग किया जा रहा है और उनकी जमीनें और कब्जा की जा रही है, मकान भी कब्जा किया जा रहा है। मजबूरन वो बेचने पर मजबूर है पलायन करने के लिए। पलायन करने में मजबूर है? नहीं तो उनकी तरह कोई शिकायत नहीं की? हिंदुओं ने शिकायत की? शिकायत की गई है लेकिन थाने से कोई ज्यादा सुनवाई नहीं होती है, मामला टल जाता है, इसलिए मजबूर है। नहीं तो क्या लग रहा है सत्ता पक्ष उनके साथ में, जो मुस्लिम वर्ग के लोग हैं या इनके साथ नहीं है? हिंदू परिवार साथ में इनके साथ है पर थाने की पुलिस नहीं साथ नहीं है। अच्छा रुकते हैं एक ब्रेक के लिए।